इधर ओम प्रकाश राजभर आज जश्न मना रहे हैं, बधाई देने वालों का तांता लगा है और SBSP ऑफिस में केक काटे जा रहे हैं। लेकिन ये जश्न राजभर के मंत्री बनने पर नहीं बल्कि आज उनका जन्मदिन है इसलिए मनाया जा रहा है, लेकिन उम्मीद अब भी योगी कैबिनेट में शामिल होने की है। हालांकि इन सबके इतर राजभर ने जन्मदिन पर एक संकल्प लिया है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में 16 लोकसभा सीटों पर पार्टी समीक्षा कर रही है, साथ ही 80 लोकसभा सीटों पर गठबंधन को मजबूत किया जाएगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा। इतना ही नहीं, जहां कहीं पार्टी कमजोर है वहां अभियान चलाने की भी तैयारी कर ली गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार NDA के साथ 2024 में चुनाव लड़ेंगे और BJP को जिताने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही राजभर ने पिछड़े और अल्पसंख्यक को जोड़ने का लक्ष्य भी रख लिया है। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर मंत्री बनने की ख्वाहिश में राजभर की प्लानिंग क्या क्या है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के जाने माने चेहरे ओम प्रकाश राजभर के चेहरे पर खुशी है। पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये जश्न मंत्री बनने पर नहीं बल्कि आज OP राजभर का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को खास बनाने के लिए पार्टी दफ्तर में केक कटिंग का आयोजन रखा गया है। राजभर के तमाम खास और करीबी नेता इस मौके पर जुटे और बधाई दी। हालांकि ये बधाई मंत्री बनने पर नहीं बल्कि जन्मदिन के लिए थी। दरअसल ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर BJP में आए और आते ही घोसी उपचुनाव में उनका भी प्राइमरी टेस्ट हो गया। घोसी में उन्होंने तमाम दावे किए थे, यहाँ तक समाजवादी पार्टी को हारा हुआ करार दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में अपने पैच को लेकर अपनी ही पीठ ठोकते रहे। हालांकि नतीजे के बाद राजभर के दावे भी खारिज हो गए, शायद उनके मंत्री बनने के सपने पर ताला लग गया। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने ना तो उम्मीद छोड़ी है और ना ही रणनीति बनाने से पीछे हटे हैं। आज के दिन 16 लोकसभा सीटों पर हम लोग संगठन की समीक्षा शुरू करने आज से, और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की हम 20 तारीख तक समीक्षा करेंगे, और जो संगठन हमारा कमजोर जहां है उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जिस लड़ाई को लेकर के हम लोग निकले हैं उस लड़ाई में हम लोग NDA में शामिल हुए हैं तो लड़ाई सफल हो। ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के सपने का क्या होगा, इसका फैसला तो BJP आला कमान ही तय करेगी। लेकिन OP राजभर जिस शिद्दत से सवाल के जवाब में विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, उसे देखकर साफ है कि वो हर सूरत में मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद राजभर के हाथ से ये सुनहरा मौका शायद फिसल चुका है। भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, NDA के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं है, वो लोग मालिक है, वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा। जो NDA में हम सब लोग शामिल हैं, जो NDA के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। मतलब मंत्री आप बनेंगे? धैर्य रखिए, दिल थाम के, और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूँ कि दिल थाम के बैठो, कहीं करेजा ना फाट जाए। ओम प्रकाश राजभर जी, हम आप मंत्रालय के चक्कर में राजभर समाज को कूड़े के ढेर में डालना चाहते हो, ये माननीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं। अब हम सब लोग मिलकर राजभर समाज, निषाद समाज, नुनिया समाज, अनुसूचित वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, मुसलमान, पक्षी वर्ग के लोग, सब मिलकर संविधान की लड़ाई। दरअसल समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद OP राजभर के लिए घोसी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था और इसी के परिणाम पर उनके मंत्री बनने का सपना भी टिका था, लेकिन उस चुनाव में मिली हार के बाद राजभर को कई नुकसान हुए हैं। पूर्वांचल में राजभर की छवि कमजोर हुई, 2024 में मनचाही सीट नहीं मिल पाई, कैबिनेट में शामिल होने की संभावना पर संकट। बहरहाल राजभर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और शुभकामनाओं का दौर जारी है और शुभकामनाएं मंत्री बनने के भी किए जा रहे हैं और शुभकामनाएं मंत्री बनने के भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सनातन के विरुद्ध छिड़े धर्म युद्ध में इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, चाहे राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी, हर तरफ खामोशी छाई हुई है। लेकिन BJP सनातन विरोधियों पर लगातार हमलावर है, क्योंकि सवाल
सनातन संस्कृति का है, सवाल हिंदू वोट बैंक का भी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2014 में एनडीए को हिंदुओं का 43% वोट मिला था और 2019 में हिंदुओं का वोट प्रतिशत 9% बढ़ गया था। साल 2019 में एनडीए को हिंदुओं के 52% वोट मिले थे। अब ये भी समझ लीजिए कि 2019 में जो एनडीए को वोट मिले थे उनमें से कौन से हिंदू के कितने वोट मिले। तो आपको ये भी समझा देते हैं, सवर्ण हिंदू के 59% वोट मिले थे एनडीए को, वहीं हिंदू ओबीसी के 54% वोट एनडीए के खाते में गए थे। वहीं हिंदू आदिवासियों की बात की जाए 46% वोट एनडीए को मिले थे और दलित हिंदू के वोट 41% एनडीए को हासिल हुए थे। यानी कुल हिंदू वोट का 52% हिस्सा होता है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और उसी वोट बैंक की खातिर अब बीजेपी सनातन विरोधियों पर कटाक्ष कर रही है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि सनातन की इस लड़ाई को, जिसे इंडी गठबंधन ने शुरुआत की थी, जिसकी बीजेपी कैसे अपने पाले में लेती जा रही है। इंडी गठबंधन के लोग, एक गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। 24 के रण में सनातन के विरुद्ध धर्मयुद्ध छिड़ा है। इंडिया गठबंधन के साथ ही हिंदुत्व को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन अब वक्त उन विरोधियों को जवाब देने का है जिन पर सनातन विरोधियों का टैग लगा है। पहले पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को कड़ा संदेश दिया, तो अब बीजेपी ने विपक्ष पर बयानों की झड़ी लगा दी है। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सनातन के खिलाफ जिस तरह माहौल तैयार हो रहा है, उससे तो ये तय है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है और यही आरोप बीजेपी विपक्ष पर लगा रही है। लेकिन गठबंधन की तरफ से सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी कम नहीं हो रही है। इस बार तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी मौर्य ने भी ट्वीट कर इस विवाद को और आगे बढ़ा दिया है और लिखा है, मुंह के ब्राह्मण बहु से क्षत्रिय, चंगे से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताना सनातन नहीं मानवता के लिए अभिशाप और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। यानी स्वामी मौर्य सनातन के साथ ही स्वर्णों पर भी निशाना साध रहे हैं और कैंसर से खतरनाक बीमारी बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी हर बयान का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस बार दोनों डिप्टी सीएम ने इंडिया गठबंधन पर एक साथ हमला बोला। देखिए, सनातन पर आघात करने वाले यह शब्दों का बाण चला सकते हैं, लेकिन सनातन को छू भी नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को नहीं छू सकते, वैसे सनातन को नहीं छू सकते। इस प्रकार का बयान देकर के समाज में वैमनस्यता पैदा करने का जो भी प्रयास, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो और चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वह कभी भी अपने इस प्रकार के जहरीलो बयानों के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिस ढंग से सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है, ये दुखद है और हिंदुस्तान के लोग कभी भी ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। उधर सनातन के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल बैकफुट पर हैं और सनातन के अपमान पर चुप्पी साध बैठे हैं, जिस पर भी बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। ये इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस मुंबई में 1 सितंबर को बैठक करता है और 3 सितंबर को इनके मजबूत घटक में मजबूत पार्टनर डीएमके स्टालिन, जो वहां का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो सनातन धर्म को गंभीर बीमारियों के साथ जोड़ करके देख करके उसका निरादर। खैर, जिस तरह से सनातन पर तनातनी का माहौल है, उससे तो ये साफ है कि विपक्ष इसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस विवाद को बीजेपी ने भी अपना हथियार बना लिया है, जिससे उसका नुकसान कम, फायदा ज्यादा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।